मॉल चले हम लोग, कल स्कूल जाओगे? रोगे तो नहीं? अब हम बाहर खड़े रहेंगे ठीक है, लेकिन आप रोना नहीं ठीक है, हम बाहर खड़े रहेंगे ना। हम लोग कहाँ चल रहे? यूनिफॉर्म लेने चल रहे हैं ना। सो हम लोग रेडी हो गए हैं, हम हिया और चलते हैं यूनिफॉर्म लेने, दिखाते हैं हिया की यूनिफॉर्म कैसी होती है ना। हिया अब रोना नहीं बिल्कुल, पता है, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, चलें। चलो तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं दुकान पे जहाँ हमें ड्रेस मिली थी हिया के लिए, लेना था अपनी। और यहाँ पे काफ़ी छोटी सी शॉप थी और अच्छी, काफ़ी सारे यूनिफॉर्म्स अच्छे थे, बट हमें अच्छे से नहीं बना था, अपने लिए हिया के लिए लेना था। जो एक लोग आए थे इनके स्कूल के ही सेम, तो पहले हमने ये हिया की रही स्कर्ट, और ये कोई यूनिफॉर्म ज़्यादा कोई महंगी नहीं, 1100 समथिंग की पड़ी है इसमें, बट क्वालिटी 1100 के अकॉर्डिंग है नहीं। और एक लोअर मिला, एक शर्ट मिली और एक टी शर्ट मिली है, बेल्ट बो और यही सब मिला है। बाकी इन्होंने पढ़ाई को ऐसा बना दिया है कि इनकी, सोचो इतनी छोटी सी इनका ओवरऑल फीस सब कुछ मिला के पूरे साल की 15,000 की हुई है। और यूनिफॉर्म इनकी, जूता और इनके जूते और यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई और बो मिला के इनकी हुई है अराउंड कितने, 1500 रुपये की। तो सोच सकते हैं पढ़ाई के लोगों ने क्या, अगर कोई बच्चा जिसके पापा के पास पैसे नहीं है, वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। चलिए कोई नहीं, फिलहाल तो हमने ले लिए है, इनकी एक ब्लैक लोअर मिली हुई है और काफ़ी ठीक, थोड़ी सी बड़ी, इसको फोल्ड करना पड़ेगा। और फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली जूते के लिए, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सारे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। और हिया बहुत दुखी थी क्योंकि इन्हें स्कूल जाना नहीं था, पता नहीं क्यों डर गई, शायद एक दिन ये कह रही मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो अपने आप घर जाने की कोशिश कर रही थी, शायद टीचर ने डांट, तब से ये रोती रहती हैं, स्कूल जाने का नाम नहीं लेती। सो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो एक भैया दिख गए, कह रहे रुक जाओ हम ला के दे रहे हैं जूते, ये इनके जूते हैं, इन्हें भैया ला के दिए हैं। और साइज़ थोड़ा सा बड़ा लिया है हमने क्योंकि ये थोड़ी सी बहुत तेज़ लंबी हो रही है, बस ये 3.5 साल की हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इनकी हाइट काफ़ी हो गई क्योंकि इनकी मम्मी काफ़ी लंबी हैं। सो हमने लोग यहाँ शॉपिंग कर लिया, उसके बाद हम गए बी मार्ट, इनके लिए कुछ कपड़े देखने थे क्योंकि ये केवल पैंट शर्ट, आई मीन लोअर टी शर्ट ऐसा ही पहनती हैं, गर्ल्स का कोई इनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता। सो यहाँ हमने जैसे एंट्री करते ही यहाँ पे हमने अपना ये बैग सबमिट करना होता क्योंकि इसमें कुछ सामान था, हमने बैग सबमिट किया, उसके बाद बैग जैसे देने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक ये टोकन देते हैं क्योंकि ताकि अपने सामान को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें सामान लेने में। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे जो वी मार्ट में फिलहाल कपड़ों के लिए है, जो कोई खास ब्रांड नहीं, लोकल ब्रांड है सारे, बट हाँ अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में। तो यही हमारी कोशिश थी कि हम कोई अच्छा सही अगले ले लें जो रेगुलर घर पे ये पहन सकें। अच्छा हाँ आ गए। अरे वाह कितने अच्छे गुड्डा यहाँ पे। हाँ बताओ क्या दिखा रहे हो आप उनको, डॉक्टर का? आप तो स्कूल ही नहीं जाओगे तो क्यों दिलाएं आपको हम? क्या चाहिए दिखाओ, डॉक्टर का सामान लेना है। लिया को समझ में आया? अरे वाओ, सो हिया की ये रही ड्रेस, इनका फर्स्ट लुक है विद द ड्रेस। तो इन्होंने एक शूज लिए हैं ठीक है, और इनका एक यूनिफॉर्म, फिलहाल यूनिफॉर्म काफी महंगा पड़ा है, ये काफी लूट हो रखी है पढ़ाई के नाम पे। हाँ एक शर्ट है और ये स्कर्ट, स्कर्ट जो भी है। और कैसा लग रहा है ये, इसको पहन के शादी में जाओगे ना? शादी में नहीं जाओगे इसको पहन के? स्कूल जाओगे? स्कूल नहीं जाओगे क्या? स्कूल नहीं जाओगी? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाओगे आप? अच्छा शादी में पहन के जाओगी ये? अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम भी ले लें, एक मम्मी भी ले लें। हम स्कूल तो नहीं जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी इनकी बो रखी हुई है, बो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रहे बो, इनका जो यूनिफॉर्म का सिलेक्शन है ये बो है, ये इनकी मैचिंग, मैंने बो लगाया नहीं है, ये बो यहाँ जाएगा। और ये बेल्ट है, ओ हाँ भैया के शूज भी हैं। सो हिया कल आप जल्दी उठ जाना, अपना टिफिन लेना, बॉटल लेना और स्कूल जाना ठीक है।
बिल्कुल रोना नहीं, बिल्कुल मत रोना, ठीक है? आप स्कूल जाओगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है? मम्मी खड़ी रहेंगी, ठीक है? हिया स्कूल जाती बहुत रोती हैं, सो क्या करेंगे, हिया स्कूल में पढ़ेंगी, मम्मी बाहर बैठी रहेंगी, ठीक है? ये सही है ना? हाँ मम्मी कोई मारे ना, ना? ठीक है, सो हम लोग कल जल्दी उठेंगे, स्कूल चलेंगे, ठीक है? और टिफिन में क्या लेके जाओगे आप? मिठाई। अरे हाँ ठीक, चलो ना सुबह चलो रेडी कर, ये यूनिफॉर्म नहीं उतार दो, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो अब सुबह हो गई है, इनका स्कूल जाने का टाइम हो गया है और ये रो रही हैं। आप कुछ बोलोगे? हाँ आप कुछ नहीं बोलोगे? लेकिन बाबू रो तो रोते नहीं स्कूल के लिए, ठीक है? चलो चलते स्कूल ना। नहीं पापा मम्मा नहीं जाएंगे, मम्मा रो रो नहीं जाएगा, आप ऐसे ही रोगे मम्मा नहीं जाएगी। चलो हम बाहर खड़े रहेंगे, आप रो नहीं, आप रो नहीं, चलो आओ चले हम लोग स्कूल चलते हैं। साइकिल चलाओ, रोना नहीं बिल्कुल, नहीं छोड़ के चले जाएंगे यहीं पे, ठीक है? रोना नहीं यहाँ पे। हाँ वैसे भी आपकी छुट्टी हो गई आज, आज पेरेंट्स मीटिंग है। ये देखो ये कितना छोटा है, रो रहा है, नहीं रोते ना आप? नहीं रोता, देखो बोल रहा नहीं रोते हम, तो आप क्यों रो रही हो? चलो साइकिल चलाओ, रोना नहीं, ठीक है? फिर हम लोग घर चलते हैं। तो आ चुके हैं अपने घर और ही अमृत खाती आगे के चल रही है, स्कूल नहीं गई। चलिए घर में बैठ के बात करते हैं इनसे, क्या हुआ स्कूल में, ठीक है? और ये मम्मी को अपने उल्लू बनाने जा रही हैं। सो फाइनली हम लोग घर के अंदर आ गए हैं, इनके मम्मा इनके कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इनकी ये डेली ब्लॉग है, ये मेरी बेटी का है। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हाँ।